वेलकम इन दिस वीडियो। तो भैया बिग बॉस सीजन 16 कर रहा है काफी ज्यादा धमाल, क्योंकि भैया बिग बॉस के जो पिछले के दो सीजन थे ना काफी ज्यादा फ्लॉप रहे थे, बट ये वाला सीजन ना टीआरपी भैया बटोर बटोर के ला रहा है। तो ये टीआरपी बटोर बटोर के ला रहा है, तो भैया ऐसे खिलाड़ियों को घर से बेघर बिग बॉस भी कैसे होने दे। देखो जरा सर, बिग बॉस सीजन 16 में इतने दिनों से इविक्शन ही नहीं हो रहे, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सीजन हो चुका है। 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और अब दिसंबर स्टार्ट हो चुके, मतलब 2 महीने पूरे हो चुके, और इन पूरे के पूरे 2 महीने में केवल और केवल कुछ ही खिलाड़ी घर से बेघर हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मान्या सिंह, गौरीना गौरी, और यहाँ पर हमारे जो भी मतलब दो और खिलाड़ी सृजिता और गौतम सिंह विज ही एलिमिनेट हुए हैं, मतलब मात्र 4 खिलाड़ी एलिमिनेट हुए हैं। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा वीक में एलिमिनेशन ही नहीं हुआ, अल्टरनेट डेज पर भी मतलब जो वीक आ रहे हैं वहाँ पर एलिमिनेशन ही नहीं हो रहा है। रीज़न सिंपल सा यही है क्योंकि भैया जो ऑडियंस है उनको ये खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुके हैं। तो भैया मेकर्स ने ऐसे में 3 एंट्रियाँ करवा दी, फमांग खान की एंट्री करवाई थी, फिर 2 गोल्डन बॉय सनी वंटी की एंट्री कराई, पर तीनों में से कोई भी वाइल्ड कार्ड तो नहीं निकला था। ऐसे में भैया ये सारी चीज़ें एक और इशारा कर रही हैं कि बिग बॉस जो 16 है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो ही चुका था, और पहले जहाँ इसका फिनाले होने वाला था जनवरी में, अब ये फिनाले भैया बढ़ चुका है हमारा कहीं और नहीं फरवरी की तरफ बढ़ चुका है। मे बी और भी ज़्यादा आगे एक्सटेंड हो सकता है अगर टीआरपी भैया लाएगा तो मेकर्स इसको बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं एक बात और देना चाहता हूँ कि भैया ऐसे में बिग बॉस सीजन 16 के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ आ रही है। दरअसल इस वीकेंड के बारे में जो 7 लोग नॉमिनेट हुए थे उनमें से 2% से भी कम वोट आए थे हमारे साजिद खान को। अब भैया साजिद खान को इतने बुरी तरीके से ऑडियंस ने वोट दिए थे कि भैया ऑडियंस दिल से चाह रही थी एटलीस्ट ये नमूना घर से चला जाए, क्योंकि भैया साजिद खान को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, उनका एटीट्यूड वगैरह है। बट भैया मेकर्स ने इस बार भी डिक्लेयर कर दिया नो इवेक्शन, तो भैया नो इवेक्शन के चलते हुए यहाँ पर साजिद खान घर से वेकेंट नहीं होते। ऐसे में एक रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा भैया वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि ऐसे में यहाँ पर बिग बॉस के मेकर के साथ साजिद खान का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है जो कि ऑलमोस्ट 10 से 11 हफ्तों का है। इस पूरी रिपोर्ट के हिसाब से भैया साजिद खान और बिग बॉस के मेकर्स के बीच 19 लाख रुपए की डील फाइनल हुई है। 10 हफ्तों तक साजिद खान को केवल 19 लाख रुपए ही मिलेंगे, लेकिन उन 19 लाख रुपए के बदलों में यहां पर मेकर्स घर से एलिमिनेट साजिद खान को नहीं करने वाले हैं। और ये काफ़ी बार देखा भी गया, क्योंकि जब यहाँ पर नॉमिनेट किया था प्रियंका ने तो वहाँ पर साजिद खान ऐसे ही इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हुए नजर आ रहे थे, प्रियंका ने अपना वोट वेस्ट कर दिया क्योंकि मैं तो घर से बाहर नहीं जाने वाला हूँ। प्रियंका नहीं अर्चना के साथ भी फाइटिंग हुई की थी, तब भी यहाँ पर भैया साजिद खान ये बोलते हुए नजर आए थे मैं इस घर से इतनी जल्दी जा ही नहीं सकता। तो भैया ऐसे में जनता तो मेकर्स पर काफ़ी ज़्यादा फूट ही रही है, क्योंकि भैया जनता का ऐसा कहना है इतना ही साजिद को सपोर्ट करना है तो भैया सीधे उन्हीं को ट्रॉफी दे दो, क्यों सारा जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हो और क्यों टीआरपी ले रहे हो। वैसे मेरे हिसाब से भी साजिद खान को इवेक्ट हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट यार साजिद खान चले जाएं यार, मतलब क्या ही इतने ज़्यादा कुछ काम भी ढंग का नहीं करते हैं, और ओवरऑल अगर जनता चाहती तो उस खिलाड़ी को घर से बेघर हो ही जाना चाहिए। काफ़ी हैशटैग भी चल रहे हैं साजिद खान को घर से बाहर निकालो, बट मेकर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखते हैं भैया वैसे आप किस पूरे मामले पर क्या रहे, कि आपको भी लगता है सच में यहाँ पर भैया मेकर्स और बिग बॉस के जो साजिद खान है उनके बीच में ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑफकोर्स बिग बॉस अनफेयर तो रहता ही है, हर बार ही अनफेयर रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट इस बार भी फिर और ज़्यादा भैया गेम खेल रहे हैं। क्या लगता है जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता।